25 दिसंबर 2021 को लॉन्च हुआ बहुत ही प्रचलित टेलीस्कोप जेम्स वेब। ये टेलीस्कोप नासा का बनाया अभी तक का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है, जिसे बनने में 30 सालों का लंबा समय लग गया था, जो पूरी तरह सफल मिशन भी रहा था। जेम्स वेब ने हमें कई सारी ब्रह्मांड की डिटेल इमेजेस सेंड करी है, जिसमें नासा ने जेम्स वेब के द्वारा खींची गई पहली कलर इमेज को भी रिलीज किया है। तो वे सारी इमेज कैसी दिखाई देती है, आज की वीडियो में हम इन्हीं सभी इमेजेस को देखेंगे और ब्रह्मांड को एक नए नजर से समझेंगे। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मांड टीवी के आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, जेम्स वेब टेलीस्कोप जब से अंतरिक्ष में लॉन्च हुआ है, तब से पूरी दुनिया इंतजार कर रही है वेब की कैप्चर की गई पहली इमेज का। नासा का कहना था कि वेब के द्वारा हमें ब्रह्मांड का एक अलग ही चेहरा देखने को मिलेगा। कुछ महीनों बाद जब जेम्स वेब पूरी तरह फंक्शनल हो गया था, जेम्स वेब ने कैप्चर की ये इमेज, जिसमें हमें ये ब्राइट स्टार फोकस में दिखाई दे रहा है। इस इमेज को मिरर अलाइनमेंट के प्रोसेस में कैप्चर किया गया था। अगर आप इस इमेज को क्लोजली देखोगे तो हमें बैकग्राउंड में कई सारी डिस्टेंट गैलेक्सीज दिखाई दे रही हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये दो गैलेक्सी हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो ये ब्राइट गैलेक्सी इस गैलेक्सी से टकराने वाली है। ये सभी मिस्टीरियस डिस्टेंट गैलेक्सी और फोरग्राउंड में ब्राइट स्टार मिलकर डीप फील्ड इमेज बनती है, क्योंकि हमें इस इमेज में स्टार और गैलेक्सी के बीच में एक डेप्थ भी नजर आ रही है। अब आते हैं उन इमेजेस पर जिसका पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी। दोस्तों, ये सभी इमेजेस नासा ने 12 जुलाई को वर्ल्ड वाइड रिलीज किया है। इमेजेस को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जेम्स वेब में कितनी पोटेंशियल है, और वह पूरी तरह तैयार है उस ब्रह्मांड की दुनिया को हमें दिखाने में जो आज तक हम नहीं देख पाए हैं। ये है कैरिना नेब्यूला, जिसे हबल के द्वारा कैप्चर किया गया था, और अब इसी नेब्यूला को जेम्स वेब के जरिए कैप्चर किया गया। इस इमेज में कैरिना नेब्यूला को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टेक्नोलॉजी में कितना ही ज्यादा बदलाव आया है। और आखिर में है ये गैलेक्टिक हाई फाइव। लेफ्ट में जो गैलेक्सी है ये हमारी गैलेक्सी के काफी पास है, और बाकी गैलेक्सी एक दूसरे से इतने पास हैं कि वे एक दूसरे को अपनी ओर खींच कर स्ट्रेच कर रहे हैं, जिसे एस्ट्रोनॉमी में ग्रेविटेशनल डांस भी कहते हैं। अगर आप इन इमेजेस को क्लियर देखना चाहते हैं तो मैंने इमेजेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक को क्लिक करके इमेजेस को और क्लोजली देख सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपके मन में ये चल रहा होगा कि इतनी क्रिस्टल क्लियर डिटेल इमेज को जेम्स वेब ने कैप्चर किया कैसे। वेल, वेब करीब 21 फीट बड़ा है। वेब इतना विशाल है कि उसे रॉकेट में फिट और सेफली रखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो वैज्ञानिकों ने वेब को फोल्ड करके लॉन्च करने का फैसला किया, और फाइनली जेम्स वेब अंतरिक्ष में पहुंचा और उसके 18 हेक्सागोनल बेरिलियम मिरर सेगमेंट को अनफोल्ड किया गया, जो बारी बारी एक बड़े विशाल मिरर का फॉर्मेशन लेने लगी थी। लेकिन वेब को प्रॉपरली काम करने के लिए सभी मिरर सेगमेंट को परफेक्टली एक दूसरे के साथ अलाइन होना भी जरूरी था, जो वेब कंट्रोल टीम के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती थी। लेकिन अब वेब पूरी तरह अलाइन है और परफेक्टली काम कर रहा है। जेम्स वेब की इन इमेजेस को कंपेयर करें हबल की इमेजेस से, तो हबल को हफ्तों लग जाते थे ऐसी डीप फील्ड इमेज को कैप्चर करने में, और वहीं अब वेब यही इमेजेस केवल 1 घंटे में कैप्चर कर लेता है। जेम्स वेब को हबल से 100 गुना ज्यादा सेंसिटिव, पावरफुल व फ्यूचरिस्टिक बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेम्स वेब के जरिए हम समय में पीछे जाकर उन गैलेक्सीज को भी देख पाएंगे जो बिग बैंग से कुछ 10 करोड़ साल बाद फॉर्मेशन में आई थी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये फर्स्ट कलर इमेज तो बस एक छोटी सी झलक थी उस ब्रह्मांड की, जो हमने आज तक नहीं देखी है, और आगे आगे हम जेम्स वेब की मदद से ही ब्रह्मांड की एक अलग ही दुनिया को देख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।